ये कौशल महोत्सव जो 6 नवंबर को ढेंकानाल में हो रहा है, उसका एक उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो लोकल युवा है, जो स्थानीय युवा है, उसको तमाम सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जोड़ा जा सके। जैसे कि मैंने कहा कि देश में नौकरियों की इतनी कमी नहीं है, जो आवश्यकता है वो ये है कि राइट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के साथ जो युवा हैं उनको उस तरह की नौकरी मिलती है। तो एक उद्देश्य तो ये है कि तमाम सारी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके साथ युवाओं को जोड़ा जा सके। दूसरी बात ये है कि उनको तमाम सारे जॉब्स जो कि भविष्य में आने वाली हैं उनके विषय में भी बताया जा सके थ्रू स्किल एग्जीबिशन। जैसे मैंने आपको कहा कि एक हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक एग्जीबिशन में एक स्टॉल लगा रहे हैं, जिसमें हम ड्रोन के बारे में और उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं उसके विषय में बताएंगे। प्रधानमंत्री जी जैसा कहते हैं कि भारत को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने की आवश्यकता है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ विदेशों में इकट्ठी हुई हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट तो हमारा एक, जिसमें हम बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को भेजते रहे हैं, पर जैसे आप जानते हैं कि पूरा यूरोप और पूरे विश्व की बहुत सारे देश बुज़ुर्ग हो रहे हैं, और हमारे इसमें इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पर लोगों को भेज सकें और वहाँ पर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से लोगों को जोड़ सकें। इसी दिशा में माननीय कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र जी प्रधान के दिशा निर्देशन में हमने एक NSDCI करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, NSDC इंटरनेशनल कहते हैं। वो ये कर रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ विदेशों से भी इकट्ठी करके यहाँ पे हम ला रहे हैं, जिसके विषय में हम यहाँ के लोकल यूथ्स को बताएंगे और उनको इस बारे में तैयार करेंगे कि वो विदेशों में भी नौकरी करने को तैयार हों। इसके अलावा जितनी भी लोकल अपॉर्चुनिटीज़ हम लेके आ रहे हैं उससे लोगों को हमारा कनेक्ट करने का हमारा प्रयास रहेगा, और साथ में किस तरह की स्किल ट्रेनिंग उनको लेनी चाहिए जिससे कि वो भविष्य में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ और बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें, इस विषय में भी उनको जानकारी दी जाएगी। हाँ, एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हमने एक अलग से स्टॉल की व्यवस्था की है, जिसमें हम ये बताएंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है। निस्बर्ड करके एक संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेगी। उसमें कैसे कैसे आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें बताई जाएँ, कैसे आपको क्रेडिट से रिलेटेड तमाम सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाए, और कैसे एक बडिंग एंटरप्रेन्योर को तमाम सारी मेंटरिंग की व्यवस्था की जा सकती है जिसके उसकी सफलता की संभावनाएँ बढ़ जाएँ। और चूँकि निस्बट का मैंडेट ये है, उसका उद्देश्य ये है कि वो छोटे और स्मॉल बिजनेसेस के पे फोकस करे, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होगा और बहुत लाभकर होगा यहाँ के लोकल युवाओं के लिए जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं।